आईपीएल 2023 के ऑक्शन की शुरुआत में अभी काफ़ी अधिक समय बचा है, लेकिन आईपीएल 2023 के ऑक्शन से पहले अब कुछ नामी खिलाड़ियों ने अपनी यहाँ पर आईपीएल टीमों में बदलाव करने का फैसला लिया। कुछ खिलाड़ियों की अब टीमों में बदलाव हो चुका है। मैं इस वीडियो में आपको उन खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा, आपको बताऊंगा कौन सा खिलाड़ी को अपनी टीम में बदलाव कर रहा है और कौन सी नई टीम का आखिर वो भाग बन रहा है और किन कारणों के चलते वो अपनी टीम में बदलाव कर रहा है। आपको इस वीडियो में अब डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए अपनी टीम में बदलाव करेंगे, इसके साथ ही यहाँ पर किन कारणों के चलते हुए अब इन खिलाड़ियों ने यहाँ पर टीम में बदलने का फैसला लिया। तो इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है रविंद्र जाडेजा का। तो जाडेजा और चेन्नई की मैनेजमेंट और ओनर्स के बीच विवाद चल रहा है, लगभग पिछले 3 महीने से ये विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते हुए जाडेजा अपनी टीम बदलेंगे, ये ऑफिशियल हो चुका है। या तो ये ऑक्शन से पहले ट्रेड हो जाएंगे या फिर ऑक्शन में अभी अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। तो ऑक्शन में तो काफ़ी सारी टीमें अब जाडेजा के पीछे रहेगी, मेनली गुजरात फिर मुंबई में से एक टीम इनको परचेस करेगी। इसके बाद नाम आता है कायरोन पोलार्ड का। तो पोलार्ड भी अब यहाँ पर मुंबई से रिलीज हो रहा है, जहाँ पर मुंबई को पोलार्ड का बैकअप यहाँ पर मिल चुका है, जहाँ पर टीम डेविड इसके साथ ही ब्रेविस इसके साथ स्टब जैसे प्लेयर मुंबई में अब आ चुके हैं। तो मुंबई की टीम पोलार्ड को भी अब यहाँ पर रिलीज कर रही है और पोलार्ड को मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ पर लखनऊ गुजरात या फिर चेन्नई में से या फिर पंजाब में से एक टीम परचेस कर ले। तो पोलार्ड को भी अब काफ़ी सारी टीमें परचेस करेगी, पोलार्ड का भी टीम बदलना तय। इसके बाद नाम आता है रोबिन उथप्पा का। तो उथप्पा को भी यहाँ पर अब चेन्नई की टीम रिलीज कर रही है, जहाँ पर चेन्नई की टीम उथप्पा के बदले कुछ युवा प्लेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो इस वजह से उथप्पा अब रिलीज हो रहे। उथप्पा को शायद हैदराबाद की टीम परचेस कर ले, शायद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इनको दोबारा से परचेस कर ले। इसके बाद नाम आता है शार्दुल ठाकुर का। तो शार्दुल ठाकुर की काफ़ी हाई प्राइसिंग होने के कारण दिल्ली कैपिटल्स की टीम इनको रिलीज करने को देख रही है, जहाँ पर 10 करोड़ से भी अधिक ये यहाँ पर ऑप्शन में भी कहते हैं, काफ़ी हाई इनकी प्राइस है। तो कुल मिलाकर इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम इनको रिलीज करने को देख रही है। तो यहाँ पर अब शार्दुल ठाकुर भी अपनी टीम बदलते हुए दिखेंगे, नई टीम की तरफ से हमें खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद नाम आता है वेंकी अय्यर का। दरअसल वेंकटेश अय्यर का काफी खराब आईपीएल रहा था, करंटली टीम इंडिया से भी ये ड्रॉप हो चुका है, डोमेस्टिक में भी इनका 0 यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है। तो इस वजह से वेंकटेश अय्यर को भी यहाँ पर कोलकाता की टीम रिलीज कर रही है, अपनी टीम से बाहर कर रही है, क्योंकि इनको इस टीम ने काफी बड़े अमाउंट में रिटेन किया था। तो ये भी अब नई टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे, या तो मुंबई की टीम या फिर आरसीबी की टीम या फिर राजस्थान की टीम इनको परचेस करते हुए दिखेगी। इसके बाद नाम आता है वेंकटेश अय्यर यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती का। तो वरुण चक्रवर्ती को भी यहाँ पर कोलकाता ने 8-9 करोड़ के बड़े अमाउंट में यहाँ पर अपनी टीम में रिटेन किया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर पूरे सीजन में 8-9 विकेट भी नहीं लिए थे, ये गेंदबाजी यहाँ पर अच्छी नहीं कर पाए थे, जबकि इनकी इकोनॉमी भी यहाँ पर 10 से ऊपर रही थी। तो वरुण चक्रवर्ती को भी अब कोलकाता की टीम रिटेन कर रही है, शायद काफ़ी कम अमाउंट में यहाँ पर किसी ना किसी टीम में अब ये बिक जाए, लेकिन यहाँ पर अब ये कोलकाता की तरफ से कंटिन्यू नहीं रहेंगे, इनका भी टीम बदलना अब तय है। इसके बाद नाम आता है एरोन फिंच का। तो एरोन फिंच का आईपीएल काफ़ी खराब रहा था, करंटली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आईपीएल तो इनका काफ़ी खराब रहा था, कोलकाता की टीम इनको अपनी टीम से बाहर कर रही है, शायद कोई ना कोई टीम इनको आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए भी अब यहाँ पर परचेस कर ले, या फिर हो सकता है कि आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए ये अनसोल्ड चल जाए। तो कुल मिलाकर एरोन फिंच भी अब यहाँ पर टीम बदल रहे, या फिर एक तरीके से इनकी भी अब टीम बदलती हुई हमें दिखी। इसके बाद नाम आता है जॉनी बेरिस्टो का। तो जॉनी बेरिस्टो का यहाँ पर पंजाब के लिए अच्छा प्रदर्शन रहा था, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी काफ़ी अच्छा ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में काफ़ी अधिक ओपनिंग स्लॉट में बल्लेबाज या फिर ओवरसीज विकल्प होने के कारण ये टीम इनको रिलीज कर रही है। हालांकि जॉनी बेरिस्टो भी खुद चाहते हैं कि वो ऑक्शन में चले जाए, हो सकता है कि हैदराबाद की टीम जो कि इनकी पुरानी टीम इनको दोबारा से परचेस कर ले, या फिर हो सकता है कि इनको कुछ कोई और टीम दोबारा से परचेस करके अपनी टीम में शामिल कर ले। तो इन खिलाड़ियों की अब आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए टीम बदलना तय हो चुकी है, अलग अलग टीमों की तरफ से आईपीएल 2023 के एडिशन में हमें ये खेलते हुए देखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम को इनमें से कौन से खिलाड़ी को परचेस करना चाहिए और आपके अकॉर्डिंग आखिर इनमें से कौन सी टीम का गलत फैसला, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।